कोटा के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के 15 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किए कर हटा जेल भेज दिया था। इन आरोपियों ने वीआईपी ट्रीटमेंट की मांग को लेकर जहां एक दिन भूख हड़ताल की, वहीं जेल में जमकर उत्पात मचाया। जेल प्रशासन ने इस घटना से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया। वहीं न्यायालय की अनुमति से इन सभी को सागर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। इस मामले में जेलर का कहना था कि उनके ऊपर राजनीतिक दबाव भी बनाया गया कि इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए। बहरहाल सभी को सागर केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। था की दृष्टि से हाई प्रोफाइल बंदियों का, देवेंद्र हत्याकांड से संबंधित जो हाई प्रोफाइल बंदी हैं उनका किसी भी हाई सिक्योरिटी जेल में स्थानांतर आप कर सकते हैं। तो इसी तारतम्य में आज सब जेल हटा से 15 देवेंद्र हत्याकांड से संबंधित 15 बंदियों का केंद्रीय जेल सागर स्थानांतरण किया गया। सर, इनमें मुख्य आरोपी और सह आरोपी दोनों हैं? इसमें मुख्य आरोपी सह आरोपी दोनों हैं। इसमें मुख्य आरोपी जैसे गोलू लोकेश और अन्य आरोपी, मतलब 15 टोटल आरोपी हैं, उसमें चार मुख्य आरोपी हैं। सर, किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव भी बनाया जाता है? राजनीतिक दबाव फोन कॉल्स आए, कुछ सुविधा देने के लिए मांग की गई, किंतु मेरे द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उच्च अधिकारियों को सर इस संबंध में? उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया, बताया गया उनका, उनके मार्गदर्शन में मेरे द्वारा काम किया गया और जो लीगल हो सकता था मैंने किया। न्यायालय का सहयोग रहा, एसपी साहब का सहयोग रहा, उनके द्वारा बल प्रदान किया गया और इन बंदियों का उपरोक्त बंदियों का